हे व्हाट इज अप गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक चीज़ बनाई है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा अभी तक। ये देख सकते हैं आप, मैंने विलेजर्स के लिए एक स्टेशन बना लिया है यहाँ पर नीचे, जो मैं आपको बता रहा था 10LM गेमिंग से मैंने एक चीज़ विलेजर मांगे थे भाई। उन्हें बहुत मेहनत लगी, पर उन्हें ब्रीड करवा करवा के मैंने इतने सारे कर दिए। और ये मैंने एक सिस्टम बनाया था ब्रीडर के लिए, बहुत सिंपल सा है। बस आपको करना क्या है, आपको दोनों साइड जो भी आपका जगह है जहाँ पर, वहाँ पर दोनों साइड आपको बस डिस्पेंसर ड्रॉपर लगा देने और उन्हें वायर्स उससे कनेक्ट कर देना है। और बस आपको उसके अंदर खाना डालना है और ऐसे ऐसे दबाते जाना है, बस अपने आप उसके अंदर से खाना निकलता रहेगा और वे ब्रीड होते रहेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अभी हाँ, अभी कुछ तो लेवल 1 के ही हैं, कुछ अभी स्पॉन ब्रीड करवाए थे मैंने, कुछ कुछ हैं ज़्यादा, जैसे ये वेपन स्मिथ वगैरह। और ये देखिए डायमंड की क्या स्वॉर्ड वगैरह बेच रहे हैं। और ये इनकी मैं शॉप खोल लूँगा, इनकी जो विलेजर से मिलेगी मुझे चीज़, इनकी शॉप खोल लूँगा मैं। और अभी तक तो थोड़े ये एक ही वो है, वो क्या कहते हैं उसको, ये भी बेच रहा है अनब्रेकिंग की, तो इससे भी लेंगे। एक काम करते हैं, इससे एक ले लेते हैं, मेरे पास बुक नहीं है, चल बाद में लेंगे। और हाँ ये है ज़्यादा लेवल का, इसके अंदर इसके पास हेलमेट है और एक ये है। ये तो मैं लेगिंग्स तो भी खरीद सकता हूँ, चलो खरीद लेते हैं, पहन लेंगे। अरे वाह, तो अब मेरे पास एक ये आ चुकी है लेगिंग्स, जो कि है उसकी डायमंड की। और ये है, ये शायद वो बेचता है, हाँ इन्फिनिटी, मैंने अपने बॉ में भी लगा रखी है इन्फिनिटी। और ये भी मतलब ज़्यादातर मैंने वेपन स्मिथ ही लगा रखे हैं, क्योंकि वेपन स्मिथ यहाँ स्वॉर्ड वगैरह देते हैं ना। ये क्या दे रहा है, कौन सी बेन ऑफ आर्थोपोर्ट था शायद उसके अंदर, चलो एक वो भी ले लेंगे एक्स। अरे भाई सीधा ले क्यों ली यार, शार्पनेस 2 है, चलो कोई नहीं ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फ्लेचर भी है, फ्लेचर क्योंकि काफ़ी सस्ती डील करता है, आप देख सकते हैं स्टिक्स के बदले दे रहा है मुझको एमरल्ड, तो एक फ्लेचर भी पकड़ रखा है। वेपन स्मिथ है ज़्यादा तर। और ये भी दे रहा है स्माइट की, तो भाई काफ़ी अच्छी शॉप बनेगी, शॉप की जगह तो हमने खरीदी रखी है। और बहुत सारे वेपन स्मिथ पकड़ रखे हैं भाई मैंने, ये एक बिल्ली भी है और मैंने भी एक बिल्ली पकड़ रखी है, पर भाई वो पता नहीं क्या ग्लिच होके बेड के अंदर घुस गया, और अगर मैं बेड तोड़ूंगा तो ये विलेजर गुस्सा हो जाएंगे और फिर ये अपनी डील्स महंगी कर देंगे। और ये देखिए, और मैंने एक घोड़ा भी पकड़ा था, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, क्योंकि मैंने AFK करा था ना उस पर, वो फिशिंग फार्म पे AFK करा था, वहाँ से मुझे एक सैडल मिली थी और मैंने वहाँ से एक घोड़ा पकड़ा था। और मैंने ये थोड़ा और बड़ा कर लिया है, ये अपनी इंचेंटिंग टेबल, और इसके अंदर भी अभी कुछ सामान पड़ा होगा, हाँ नेम टैग वगैरह पड़े हैं, कोई बात नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, जो स्टॉर्म है ना आइकन मैन, जिसकी आप अगर देखते होंगे तो उन्हें मैंने कहा है, क्योंकि इस SMP में भी है ना वे स्टॉम है उनका नाम है गेम में, तो उन्होंने वो एक बिजनेस खोला है जिसमें कि हम उन्हें बता दिया करेंगे, मतलब फार्म्स वगैरह जो भी कुछ हो वो बना दिया करेंगे, बस हमें 2 डायमंड पे करने हैं, रिसोर्सेज सारी उनकी, मेहनत सारी उनकी, बस हमें 2 डायमंड पे करने हैं। और मैंने उन्हें वो कह रखा है, एक ब्रेड फार्म, वैसे ब्रेड फार्म की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी कह रखा है मैंने, क्योंकि खाने की यार ज़रूरत पड़ती रहती है। और एक विलेजर है जो कि ये पम्पकिन पाई बेच रहा है, और मैं इसको अपनी शॉप में रखूँगा, क्योंकि पम्पकिन पाई भाई बहुत अच्छी लगेगी, अच्छी रहेगी। तो पहले तो मैं कुछ वुड इकट्ठा कर लेता हूँ, हाँ, और नैदर बेस पे बनाए के, नैदर थीम पे, चलो नैदर थीम पे ही बनाते हैं। मैं ज़रा ये सारा साल तो, यार मेरे पास स्पेस भी तो बहुत भरी हुई है, क्या करूँ स्पेस का, सॉरी गाइस, इस पानी में फेंक देते हैं। जैसे नैदर वॉट की अभी कोई ज़रूरत नहीं, इस वोड की कोई ज़रूरत नहीं, रोटन फ्लैश की कोई ज़रूरत नहीं इसकी नहीं। और ये आयरन के ब्लॉक देख पा रहे होंगे भाई, बहुत मेहनत लगी इन आयरन के ब्लॉक को इकट्ठा करने में, बस पूछो मत कितनी वो ज़्यादा मैंने स्क्रिप माइन करी। और लेदर फेंक दो, अरे लेदर की काम थी भाई, चलो कोई बात नहीं अभी ज़रूरत नहीं है। और इसको फेंक दो, इसको फेंक दो,
और मैं आज उसका भी बनाने वाला हूँ पाथ, एक वो जो होता है ना जहाँ पे हमारा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जाने के लिए एक पाथ भी बनाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं हम अंदर। और हाँ, आप मेरी ये स्वॉर्ड देखिए, मैंने विलेजर से ट्रेडिंग कर कर ही निकाली है स्वॉर्ड। लूटिंग 2, अनब्रेकिंग 3, स्माइट 3 और फायर एस्पेक्ट 1। काफ़ी अच्छी है ये स्वॉर्ड भी। तो पहले तो हम नेदर के अंदर चलते हैं और क्योंकि 2 दिन से इसलिए वीडियो नहीं। अरे कौन मार रहा है भाई, भाई मत मारो, भाई मत मारो भाई, ज़ॉम्बीज क्यों आ रहे हैं यार यहाँ भाई? ये किसने बना रखा है यार? ये यार क्या बात है, गलत बात है भाई। ऐसे तो कोई बंदा यार आके फंस जाएगा ना। हेलो, मेरे पीछे तो नहीं पड़ रहे ना? हाँ। और इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे इनका पैक यूज़ कर रहा हूँ। और भाई मैं नेदर के अंदर भी गया था, मैं यहाँ फंस गया था बहुत बुरी तरह से। और मैंने आपको ये दिखाई दिया था, इसके अंदर पता नहीं भाई एक डिस्पोन हो गया, क्या हुआ अब वो मुझे नहीं पता है। और इस लावा को बंद करना पड़ेगा। भाई ऐसे क्यों करा यार मैंने? अरे भाई भागो 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 भाई, मैंने गलत लॉक लगा दिया। और भाई इतने सारे हॉगलिंस, ओ माय गॉड, इन्हें तो बॉस ही मारना पड़ेगा। हम वापस से जा रहे हैं अब सर्वर के अंदर, वो मैंने स्टोरेज क्लीन कर दी, उसके वजह से गेम भी हट गया, इसलिए वापस से जा रहा हूँ मैं। और डन हो गया। और भाई जल्दी से मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। मैं अभी कितने प्लेयर्स हैं अभी होंगे, चलो जितने भी हैं 10 होंगे शायद, तो 10 की जगह 2 और ले लूँगा मैं, 2 नहीं 3 लूँगा भाई। यार ये फिर स्पॉन होगी भाई, मुझे लेना यार तुम्हारा इनसे यार, अभी तो मारा था मैंने और अभी ये तो भाई अभी एक स्टैक तो हो चुका है, पर अभी थोड़े से और ले लेते हैं। और एक काम करता हूँ, जो इनकी ये सैपलिंग होती है ना, इसको घर पे ले जाता हूँ और वहीं अपने ओवरलैंड ओवरवर्ल्ड में उगा लूँगा इनको, ठीक रहेगा, बार बार नैदर में नहीं आना पड़ेगा इस खतरनाक जगह पे। और अभी मैं जल्दी से और तोड़ लेता हूँ, थोड़े से 2 स्टैक पूरे कर लेता हूँ। गाइस 2 स्टैक भी पूरे हो चुके हैं और ये देखिए मेरे 2 स्टैक। तो हम घर चलते हैं क्योंकि मेरी एक गोल्ड का ये भी टूटने वाला है और मुझको इसको रिपेयर करना है। और मेरा लेदर पोर्टल वो रहा, तो जल्दी से चलता हूँ मैं उधर। भाई किसने बनाया यार घर सा? चलो कोई बात नहीं, ठीक बनाया है, हम अंदर चलते हैं और जल्दी से अपनी वो बनाते हैं। और एक काम करते हैं, मैं अपनी ना शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं चाहता, जैसे पूरा एक बड़ा सा वो घर सा बना देते हैं, मैं एक छोटा स्टॉल टाइप बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मतलब काफ़ी सामान मतलब आ जाए, लगभग सारा ही आ जाए। और भाई ये पता नहीं स्टॉल कब बनाएंगे मेरे विलेजर का फार्म, कोई बात नहीं चलो बना देंगे जब बनाएंगे। और पहले तो मैं भाई अपने आयरन संभाल के रख देता हूँ यार। और हाँ, मैंने ना ट्रेडिंग कर करके एंडर पर्ल्स कम से कम 10-20 तो होएगी मेरे पास, ये देखिए 10 एंडर पर्ल्स। और जो सारा सामान है मैं उसको रख देता हूँ फिलहाल, शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगा, आपको लोगों को टाइम लैप्स में दिखा दूँगा उसको तो। और ये वो रख दो। और एरो कहाँ गए? अच्छा एरो तो मैंने रख दिए शायद, हाँ ये एरो ले लो भाई, एरो की ज़रूरत पड़ती रहती है। और एक क्राफ्टिंग टेबल भी है, इसमें से ले लेते हैं यहीं से ही। और अपना घोड़ा लेके चला जाऊँगा और एक बेड भी ले लेते हैं, मेरे पास सारी चीज़ें रेडी हैं। गोल्ड पता नहीं कहाँ से आ गया। और जो नेदरराइट है वैसे मेरे पास, नेदर रैक, नेदरराइट बोल रहा था भाई,
इतनी बड़ी चीज़ कैसे अभी मेरे पास आ जाएगी? भाई मैं नदर रैक लाना भूल गया यार, और मैंने हाँ आपको लोगों को दिखाना भूल गया, मैंने यहाँ पे ये उंगा रखी है, ट्रेडिंग से मिला था। ओ ये रे ट्रेडिंग से मिले थे मुझे ये, तो इनको उगा देते हैं हम। भाई और इधर उगा देता हूँ, लग तो जाएगा ना। अरे भाई कैसे लगेगा फिर? तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करना ही कैसे लगेगा ये, और मैं आपका कमेंट ज़रूर से पढ़ूंगा। और इसको ज़रूर इसको रख देते हैं हम। भैया मैं मेरे पास फ़ोन ही है यार, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम होता है उसका, हाँ एंडर चेस्ट नहीं है, नहीं तो एंडर चेस्ट में रख लेता, काफ़ी इजी पड़ता है एंडर चेस्ट से इसलिए, लेकिन है नहीं वो अभी मेरे पास। फिशिंग रॉड रखो, इसको क्या ज़रूरत है भाई, मैं लेके घूम रहा हूँ इसको। और ये पता नहीं यार मेरे पास इतने सारे हेड हैं, ये पता नहीं ब्लैक ब्लैक क्यों बन गई है एग जैसे। और जो फालतू का है ना, मैं उसको सारे को फेंक देता हूँ, अभी बाहर जाऊँगा तो फेंक दूँगा। और अब गेम थोड़ा लैग हो रहा है, कोई बात नहीं। तो भाई बंदे सो रहे हैं, सोने देते हैं और अपने हॉर्स को निकालते हैं यहाँ से, राइट। तो इस साइड है हमारा वो, तो चलते हैं जल्दी से। और हॉर्स से काफ़ी इजी पड़ जाता है यार, थोड़ी स्पीड भी मिल जाती है। और मैं इधर एक ब्रिज बनाऊंगा, नहीं तो फिर यार किसी के पास और हॉर्स वगैरह हो तो उसको इजी हो जाएगा। ये क्या है, ये किसने इतने हेड छोड़ रखे हैं भाई यहाँ पे? और अगर गाइस आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और ये रही हमारी शॉप की एरिया। अरे मैं शवल लाना भूल गया यार, शवल लाना भूल गया मैं। तो चलो मैं शवल ला के इसको सारे को क्लीन करके ना आप लोगों को मिलता हूँ। सो गाइस मैंने अब यहाँ से सारा क्लियर कर लिया है। और भाई मेरा घोड़ा उस साइड गया था यार अभी, भाई मैंने उसे लीड से बांधना भूल गया, इधर ही कहीं था वो, उसको देखते हैं। नीचे तो नहीं गिरिया, नहीं पता नहीं। कहाँ गया यार मेरा घोड़ा? अरे अभी अभी, अरे मैं किसी का बेस रिबिल नहीं, अरे ये रहा यार यार घोड़ू, अरे मैं किसी का ही बेस रिवील नहीं करना चाहता हूँ यार, रिवील ही हो रहा है बार बार, कोई बात नहीं चलो। हाँ ये देखिए कुछ ऐसा है हमारा एरिया। और अभी इसके अंदर मैं थोड़ी ये साफ सफाई कर देता हूँ, बहुत घास उग गई है। जा भाई जा, तू वापस से जा। तो ये तो हो गया है अब, ये पूरा 16x16 का हो गया है पूरा। और अब मुझे क्या करना है, हाँ यहाँ पे शॉप भी तो बनानी भाई, मैं भी कैसा भाग लूँ। तो शॉप के लिए मुझे चाहिए पहले क्राफ्टिंग टेबल, और जब कभी मेरे पास वो आएगा ना एंडर चेस्ट तो मैं इसके अंदर लगा दूंगा। और अभी तो पहले मुझे सारों के नहीं थोड़े से प्लैंक्स बनाने हैं। और भाई मेरे पास पहले से हैं, हाँ मैंने बना लिए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो थोड़ा सा यहाँ से छोड़ कर ऐसे एक स्टॉल टाइप बनाना चाहता हूँ मैं, ऐसे हाँ इतना। और एक मिनट, ये गलत लग गया है। और यहाँ से ऐसे, और ऐसे ही आगे से भी दो ब्लॉक छोड़कर स्टॉल क्या पूरी शॉप ही बन रहे, हाँ ठीक है स्टॉल क्या है पूरी ऐसे शॉप ही बन जाएगी। चलो देखेंगे जो भी बनेगा बना देंगे। और इधर से भी, ये बड़ी अजीब सी जगह है ये, क्या करूँ मैं, मैंने भी कैसी जगह चूज़ करी। चलो कोई बात नहीं, अब घोड़े जी हटोगे, चलो तुम्हें घास चढ़ लो
हम इतने यहाँ पर ये लगा देते हैं, इधर से इसको तोड़ो, इधर से इसको फिल कर दो। अब ऐसे लगेगा कुछ शॉप, अभी नहीं है शॉप ये। और क्या करना था, अब इसमें फेंस लगाने हैं। फेंस भाई मैं क्यों इतना उछल रहा हूँ यार। अब यहाँ पे फेंस बना के लगा देते हैं, किस साइड फेंस लगाने हैं। और एक इधर चूटिया, दो चूटिया बल्कि, कोई बात नहीं चलता है इतना। हाँ ऐसे, और पूरे को फेंस अप करना है अभी। तो मैं जल्दी से लकड़ियाँ बना लेता हूँ। लगाते हैं, चलो ये भी लग गया। और भाई वो बेस रिवील होके ही रहेगा आज, मतलब इतनी वो चल रही है ना बार बार। ओए भाई मैंने क्यों टैप करा उस पे हथौड़े पे, भाई गलती से टैप कर दिया यार। मुझे तो लकड़ियों की ज़रूरत थी, सिंपल प्लैंक और सिंपल वुड की। चलो तो कोई नहीं, अभी एक प्लैंक है शायद। अगर ऐसी बात हुई तो हम वापस से तोड़ के ले आएंगे, और क्या दिक्कत नहीं लगी। और इसको अब तोड़ दो जल्दी से। अरे भाई भी कुछ कर रहा हूँ यार। तो ऐसा हो गया अभी बेस, और बेस नहीं भाई। अब इसके ऊपर क्या करना है, दो की जगह छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 12 है ना, तो 5 और 6 तोड़ने हैं शायद, मिडल में है ना। 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 ओ गलत हो गया, इधर से एक तोड़ूंगा। अब होगा मिडल में, ये उधर से नहीं होता। ओ इसको ऐसे लगा दो, डन। और अब ऊपर एक वो लगानी है छत। तो गाइड अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आए तो प्लीज़ प्लीज़ उसको इग्नोर करिए। और फेंस तो ये बना लेता हूँ मैं, स्लैब्स। हेलो, और एक काम करता हूँ मैं, वहाँ से उछल के ना मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ फिर दिक्कत नहीं हुई। वाह भाई वाह, कोशिश करते हैं। और अब मैं लगाता हूँ, we'll be right back.
गाइस अब ये हो चुका है पूरा, जैसे कि आप लोगों ने टाइम लैप्स में देखा ही होगा, ये पूरा हो चुका है। अब और अब नीचे की फ्लोरिंग की बारी आई है, तो फ्लोरिंग मैं सोच रहा हूँ किससे करूँ। कुछ ऐसा ब्लॉक भी नहीं है यार, फिर सारा रेड रेड अच्छा नहीं लगेगा ना। भाई इससे ही कर देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे कभी, क्योंकि यार अभी मेरे पास और कोई ब्लॉक भी नहीं है ना, इसलिए फिर तो सारी यही बना लो। और प्लैंक्स भी काफी सारे लगेंगे अब, और मैं जल्दी से ना आप लोगों को फ्लोरिंग करके मिलता हूँ, क्योंकि नहीं तो भाई आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी से आप लोगों को फ्लोरिंग करके मिलता हूँ। तो गाइस मैंने फ्लोरिंग भी कंप्लीट कर ली है अब, और बस अब इसके अंदर चेस्ट ऐड कर लें, और चेस्ट के अंदर सारे स्लॉट्स वगैरह डाल लें, स्लॉट्स ऐड कर लें। तो मैं जल्दी चेस्ट बना लेता हूँ, कम से कम 6 चेस्ट नहीं 12 ठीक है भाई। डबल चेस्ट में थोड़ा वो डबल चेस्ट नहीं लगाएंगे, डबल चेस्ट थोड़े ज़्यादा बड़े लगेंगे, इसलिए एक सिंगल चेस्ट, एक इधर एक इधर। पंपकिन पाई का, ये स्वॉर्ड का, ये आर्मर्स का, इसके अंदर सैडल वगैरह आ जाएंगी, नेम इसके अंदर शायद से नेम टैग, और इसके अंदर क्या, इसके अंदर शायद आयरन की स्वॉर्ड आ जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ ना मेंबरशिप भी बनाए इसके अंदर, तो मेंबरशिप का हम बाद में देखेंगे, अभी तो इतना ही है। और अभी मैं इसके ऊपर नाम लिख देता हूँ, काफ़ी सारे बॉर्ड लगेंगे, क्या करना है यार। ओ भाई मुझे दिख नहीं रहे, बताओ यार। अरे ज्यादा बना लिए, ज्यादा बना लिए भाई, ये भी रेड कलर के। भाई स्टॉक बाद में फिल करूंगा, अभी मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, तो मैं तो केट बना लेता हूँ रेड कलर के। भाई पता नहीं यार रेड कलर क्यों इतना पसंद आ रहा है मुझको, और इसका गेट भी बनता है क्या, गेट तो बनता था ना, बनता है फिर इसके अंदर क्यों नहीं दिखा रहा वो। अरे भाई दिखा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार मुझे, वो दिखा रहा है पर मुझे मैं देख ही नहीं रहा ठीक से। यहाँ पे मैं प्रेशर प्लेट लगा देता हूँ, प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट।
लगा देते हैं इनको भी। थोड़ा डर्ट से फिल कर देता हूँ, और जो वो है ना पाथवे आने के लिए मैं ऑफलाइन बना लूँगा, उसकी कुछ दिक्कत नहीं है। अभी भी लोग बाग ऐसे तो आते ही है ना, मैं ऑफलाइन बना दूँगा उसको, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी हो जाएगी। तो अब मैं आ जाता हूँ थर्ड पर्सन के अंदर, और एक खुल जा भाई सेटिंग। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, हमने ये शॉप बनाई अपनी और अंदर से भी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है पर हाँ ठीक है। और मेरा वो घोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया, मेरी सैडल लेकर जाने दो, चलो सैडल तो मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और अगली वीडियो के लिए अगली वीडियो में हम मिलेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और घर पे रहना, सेफ रहना, बाय बाय, टेक केयर।